इस वक्त हमारे कॉलेज के खूबसूरत और होनहार तालिबे इल्म हसन मसूद यहाँ तशरीफ लाए हैं। हसन मसूद शायर बिन शायर हैं, इनके वालदे मोहतरम मसूद सदीकी भी बहुत अच्छे शायर हैं और इनके दादा जान ताहिर सदीकी बहुत ही खूबसूरत शायर थे, उनकी किताब शाये हो चुकी है। ये मैथ्स कैम के स्टूडेंट हैं, एमएससी मैथ्स कैम जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़हीन और होनहार, नज़म और शायरी के बहुत सारे मुकाबले जीत चुके हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि कोई नज़म अपनी सुनाएं, खूबसूरत नज़में लिखते हैं जिनके मौजूआत बड़े अच्छे होते हैं, थीम्स भरपूर होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनमें शेरी लवाजमात का पूरा ख्याल रखा जाता है। जी मसूद, कोई अपनी ताज़ा तरीन एक नज़्म हैरत के उनवान से जी आपकी समातों की नज़र के बिगड़ती और बनती बादलों की मुख्तलिफ शक्लें वाह फलक पर कैसे बनती हैं वाह 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 हवा क्यों कर मिटा देती है हैरत है बहुत अच्छे। कोई फनकार आकर मौज में जब संगे मरमर को तराशे तो हसी मूरत न जाने कैसे बन जाती बहुत अच्छे क्या बात है। कोई फनकार कैसे जान लेता है छुपे हैं खालो खद इसके कहां पर और कहां पर नाक नक्शा है छुपाने हैं कहां से इससे वाबस्ता है जो बेकार से पत्थर बहुत कोई फनकार कैसे जान लेता है जरा सोचें कि जब बारिश बरसती है तो क्या पानी के कतरे फूल होते हैं जरा सोचें कि जब बारिश बरसती है तो ऐसे वक्त में धरती गुलाबों को उगलती है वाह वाह अगर ऐसा नहीं होता तो हैरत है कि मिट्टी क्यों महकती है बहुत अच्छे। ताज्जुब है किसी का दिल फसुर्दा हो अगर दीमक जुदाई की रुतों की खोखला कर दे न निकले हुक सीने से तो ऐसे में लगाकर बांसुरी होंठों से जाने किस तरह कोई हवा को सुर में ले आता है वाह वाह बहुत अच्छे शुक्रिया। हैरत ताज्जुब और वंडर सरप्राइज में ये डूबी हुई नज़्म आपने मुलाहज़ा फरमाई हसन मसूद की आवाज़ में, खूबसूरत पढ़ने का अंदाज भी बड़ा ज़बरदस्त है। अपने मेज़बान रियाज अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और नासिर। अब यही भी एक दो तस्वीरें भी हमारी बना दें।